हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्मा किचन्स। आज हम बनाएंगे पोटली वाला पुलाव। तो पोटली वाला पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिया है। मैंने बड़े का गोश्त लिया है, यानी कि रेड मीट, 1.5 किलो है बड़े का गोश्त। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर मैंने नवाजिश चावल लिया है बिरयानी का, ये 10 कप चावल है। इसको धो के पहले से ही भिगो देंगे। और यहाँ पे मैंने 6-7 हरी मिर्चें काट ली हैं, 1 लहसुन की गांठ ली है, 2 प्याज की गांठ ली हैं। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज को काट लिया है, 5-6 तेज़पत्ते हैं, 2 काली इलायची हैं और 5-6 हरी इलायची हैं। तो ये सारा सामान है। और 2 बड़े चम्मच सौंफ है, ये हम पोटली में डालेंगे। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है, इसकी हम पोटली बनाएंगे। तो साफ कपड़ा ले लें पोटली के लिए, और इस पर सौंफ डाल के इसकी पोटली बना लें। इसको बांध दें अच्छे से ताकि सौंफ जो है खुले नहीं। तो इसको इस तरह से बांध लेंगे। तो ये हो गई हमारी पोटली तैयार। और अब हम सबसे पहले यखनी बनाएंगे। यखनी पुलाव है तो सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। तो यखनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लूँगी और इसमें सारा सामान डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया है। पोटली पुलाव जो होता है बड़े की गोश्त का ही अच्छा बनता है। तो कुकर में मैंने गोश्त ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें पोटली ऐड कर दूँगी। तो पोटली को मैंने गोश्त में इस तरह से रख दिया दबा के। 2 प्याज की गांठें डाल दिए, 1 लहसुन की गांठ डाल दिए और 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं, 2 काली इलायची डाल दी हैं और 2-3 हरी इलायची डाल दी हैं छोटी वाली। और यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, करीब 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। और आपको ढक्कन लगा के इसमें सीटी आने देंगे। सीटी हम यहाँ पे 4-5 लगा लेंगे। आपको सीटी इतनी लगानी है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो गोश्त अच्छे से गला होगा तभी हमारी बिरयानी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि गोश्त अच्छे से गल गया है या नहीं गल गया है। तो मैंने यहाँ पर इसको चेक किया है, तो गोश्त अच्छे से गल गया है। और अब इसको हम साइड में कर देंगे। और यहाँ हमने एक भगोना ले लिया। भगोना लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से हो जाने देंगे ताकि कच्चापन बिल्कुल ना रहे तेल में। और तेल अच्छे से हो गया, उसके बाद हम जो कटी हुई प्याज है वो ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको चला देंगे। और यहाँ पे प्याज को अच्छे से पकने देंगे ताकि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का। और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्याज को हम बिरयानी के ऊपर से डाल के सर्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो मैंने प्याज को निकाल लिया है फ्राई करने के बाद। अब हम इसी तेल में अब यखनी का जो गोश है वो ऐड कर देंगे। 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं और 2 इलायची डाल दिए हैं हरी वाली, और यहाँ पे हरी मिर्चें भी डाल देंगे कटी हुई। और अब हम जो यखनी का जो गोश है तो खाली बोटियाँ निकाल के 1 चम्मच से इसमें डाल देंगे। तो हमने इसमें बोटियाँ सब निकाल के इस तरह से डाली हैं। सारी बोटियाँ मैंने डाल दी। और इसमें जो पोटली और लहसुन वगैरह जो भी इसमें वैसा सामान है ये सब हम निकाल के हटा देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है अब। तो बोटियों को हम अच्छे से भून लेंगे तेल में।
तेल मैंने इसलिए यहाँ पे कम डाला है क्योंकि जो बूटियाँ हैं ये काफ़ी चिकनी थी, गोश्त काफ़ी चिकना था, ज़्यादा मैंने तेल नहीं डाला। और अब इसमें डालेंगे हम 4 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसको चला देंगे। और अब ढक्कन ढक के इसको पकने देंगे। तो ये देखिए पकना शुरू हो गया है। और यहीं पे आप एक काम करें कि जो चावल है वो ज़रूर भिगो दें पहले से बिरयानी का, तो बिरयानी जल्दी बन जाती है और चावल बहुत लंबा बनता है। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। और अब इसको हम अच्छे से चला देंगे। और अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, नमक लेकिन ये ध्यान रखते हुए ऐड करें कि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया है, तो हम सिर्फ 1 चम्मच नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। और अगर कम लगेगा तो हम बाद में टेस्ट करके और डाल लेंगे, तो नमक थोड़ा कम ही ऐड करें पहले। और अब इसको पकने देंगे, ढक्कन ढक देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है और मैं अब यखनी का पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यखनी के पानी से बहुत ही बढ़िया बिरयानी का स्वाद आता है और पोटली पुलाव में इसी का ही मेन टेस्ट रहता है। तो पानी मैंने सब इसमें ऐड कर दिया है और चावलों को मैंने पहले से भिगो के रखा है। खौल आ गई है पानी में और मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल करीब मैंने आधा घंटा भिगो के रखे हैं तो अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेंगे, तो हम थोड़े इतने ही पानी में हमारे चावल अच्छे से पक जाएंगे। तो हम अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे इसमें। और मैंने इसमें चावल डाल दिए इस तरह से और अब इसको हम चला देंगे। और चलाने के बाद एक बार यहाँ पर नमक तेज़ कर लें। यहाँ नमक अगर कम होगा तो आप यहाँ पर नमक और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चला दिया, अब इसको पकने देंगे। ढक्कन ढक के इसको पकने देंगे। तो देखिए इसमें खोल आ गई है और इसको एक बार फिर से चला देंगे। और अब इसका पानी आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है, तो इसको एक बार फिर से चला देंगे और अच्छे से, ताकि चावल ऊपर नीचे अच्छे से हो जाए। और अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 ढक्कन केवड़ा वाटर। खुशबू के लिए हम डालेंगे, तो मैंने 1 ढक्कन इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है। और अब ढक्कन ढक के इसमें दम में लगा लेंगे करीब 5 मिनट। तो 5 से 7 मिनट दम पे लगा लिए मैंने और अच्छे से बिरयानी दम पे आ गई है और हमारे यखनी पुलाव तैयार हो गया है। अब जो मैंने फ्राई करके ऑनियन रखी थी वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। और ये देखिए हमारा यखनी पुलाव तैयार है, बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।